ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड। समाज सेवी मनीष गोनियाल ने आज मसूरी विधानसभा का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान मनीष गोनियाल ने शिल्ला फुलेत के ग्रामीणों से मुलाकात की, जिस दौरान जनता ने उनके सामने कई समस्याएं रखी। वहीं शिल्ला गांव की महिलाओं ने कहा कि क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है, जिसके चलते गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शिल्ला फुलेत के लोगों ने बताया कि क्षेत्र में आज भी मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, मोबाइल फ़ोन का टावर, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध शिल्ला फुलेत के लोगों ने बताया कि क्षेत्र में आज भी मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, मोबाइल का टावर, शिक्षा आदि उपलब्ध नहीं है। इस पर समाजसेवी मनीष गोनियाल ने कहा कि अगर क्षेत्र की जनता उन्हें इस बार विधानसभा तक पहुंचाती है तो उनकी प्राथमिकता होगी कि वह पहले क्षेत्र का विकास करेंगे। नया का हॉस्पिटल यह बहुत जाना ही बहुत परेशानी हुआ दे। अच्छा। तबीयत भी एक दिन ठीक नहीं रहने, हम किराए बहुत ज़्यादा किराए दिया खा रही पैसा नहीं जोड़ता। गाँव वालों का नहीं कहा जानो कहा जब तबीयत हो जाने खराब बहुत दूर जाना है खातर किराए बहुत ज़्यादा। भाई साहब बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, जो विधायक क्षेत्र में उन्होंने 9 साल से जो झांका नहीं, आज मैंने जब क्षेत्र का भ्रमण करा तो लोगों की समस्या सुनी। वहां पर स्वास्थ्य विभाग की काफ़ी समस्या है, रोड बदहाल है और दूसरा बच्चों के लिए पढ़ने। नमस्ते, मेरा नाम राधा नौटियाल है, मेरे गाँव का नाम सिल्ला है। स्कूल का नाम? मेरे स्कूल का नाम राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिल्ला है। मेरी कक्षा 6 है। पढ़ाई को लेकर आपको क्या स्कूल नहीं जा रहे हो? कोरोना चल रहा है आपको पता है ना, जैसे यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई होती तो नेटवर्क नहीं आता। आपके परिवार आप ही का बेटा हूँ है ना, तो अगर मैं लोकल के उसमें रहूँगा तो लोकल का आदमी विकास भी करेगा, बाहर के आदमी आकर यहाँ चुनाव भी लड़ रहे और मजे भी लेकर यहाँ से जा रहे है ना। अपना आदमी अपने ही होता है, पहाड़ का आदमी तो पहाड़ के अपने। ग्राम सिल्ला से हूँ और आप भाई लोग सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, आप यहाँ पे आए हैं तो हमारी समस्या पूछ रहे हैं तो हम बताते हैं हमारी समस्या क्या है। हमारी जो मेन समस्या है, यहाँ पे टावर नहीं है और यहाँ रोड की भी बड़ी समस्या है। यहाँ पे जैसे कोई बीमार पड़ गया तो हमें सुविधा नहीं है कि छोटा मोटा क्लिनिक हो जाए, तो यही हमारी समस्या है। और ऐसे तो काफ़ी समस्याएं हैं लेकिन देखते हैं इतनी समस्या अगर हमारी हल हो गई तो हम। ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड।